हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं ओएमआर शीट से रिलेटेड। तो देखिए, जब से ये पैटर्न आया है, जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि इस बार एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाने हैं आपके ओएमआर शीट पे, तभी से ये एक मिस्ट्री बन चुकी है कि किस तरह से ओएमआर शीट को फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर बबल्स भी हैं और लिखने के लिए अलग से एक ब्लॉक भी गिवन है। और किस तरह से इवेल्युएट किया जाएगा, जो आपके इवेल्युएटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो किस तरह से चेक करेंगे ओएमआर शीट को, ये एक मिस्ट्री बन चुकी है। तो आज हम समझते हैं कंप्लीट डिटेल में कि किस तरह से स्टूडेंट्स को फिल करना है और किस तरह से टीचर्स चेक करेंगे ओएमआर शीट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है डीमिस्टिफाइंग ओएमआर। आइए समझ लेते हैं कि किस किस तरीके से एक स्टूडेंट अपने रिस्पॉन्सेस को मार्क करता है और फिर किस तरह से जो इवेल्युएटर्स हैं वो चेक करेंगे उन रिस्पॉन्सेस को और करेक्ट आंसर क्या कंसिडर किया जाएगा। तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर वन आपके सामने है, जहां पर रिस्पॉन्स मार्क किया गया है ऑप्शन नंबर ए, और फिर यहां पर आपने देखिए लिखा है ए, तो इसको बिल्कुल सही मेथड माना जाएगा और ए जो है आपका वही करेक्ट आंसर कंसीडर कर लिया जाएगा कि आप जो है वाकई में ए लिखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर वन का आंसर मैं मार्क कर रहा हूं ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टू को समझते हैं। यहां पर आपने सबसे पहले तो बबल फिल कर दिया ए वाला, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद शायद आपको याद आया कि ए नहीं, यहां पर बी होना चाहिए, या गलती से आपने यहां पर बी लिख दिया, तो करेक्ट आंसर आपका बी ही कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आपकी तरफ से जो करेक्ट रिस्पॉन्स है वो बी को कंसीडर किया जाएगा, नॉट ए, ठीक है ना। थर्ड एग्जाम्पल समझते हैं। आपने यहां पर रिस्पॉन्स मार्क कर दिया ए, और उसके बाद यहां पर आपने बी लिखा, लेकिन साथ ही साथ आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना था, तो आप उसको बिल्कुल सही कर सकते हैं और आपने यहां पर नॉट अटेम्प्टेड वाला जो ऑप्शन है उसको फिल कर दिया। तो इस बबल को फिल करते ही ये आंसर आपका इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। अब आपने चाहे गलती से किया हो या इंटेंशनली किया हो, हम इसको इवेल्युएट नहीं करेंगे। फोर्थ समझते हैं बेटा, फोर्थ एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि आपने यहां पर फिल किया है ए, लेकिन बाय मिस्टेक यहां पर आपने सी लिख दिया और क्रॉस वगैरह भी यहां पर लगाए बिल्कुल पूरे दिल से, ये सोचते हुए कि मैंने अब तो सी लिख दिया है तो मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूं, तो इवेल्युएटर को पता लग जाएगा, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम तो करेक्ट आंसर आपकी तरफ से सी को ही कंसीडर कर लेंगे और सी हम मान लेंगे। देखिए, जो कुछ आप इस बॉक्स में लिखेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी के बेस पर जज करेंगे कि आप क्या अपना रिस्पॉन्स मार्क कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आपने क्या किया कि सबको देखिए, यहां पर आपने क्रॉस किया और बी को आपने इस तरह से एक टिक लगा दिया, तो ये गलत है बेटा, आपको फिल करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, यहां पर बी की जगह गलती से डी लिख दिया, तो गलतियों का पिटारा खोल दिया आपने यहां पर, ठीक है ना। एक तो फिल नहीं किया, ऊपर से क्या किया आपने, क्रॉस बना रखे, टिक लगा रखे और बी की जगह क्या करा, डी लिख दिया। कोई बात नहीं भाई, हम क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है उसको प्रिफरेंस देंगे और डी जो है वो करेक्ट आंसर आपका कंसिडर कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए सिक्स क्वेश्चन में आपने क्या किया, आपने ए को फिल करना स्टार्ट किया लेकिन आप रुक गए, आपने कहा ये नहीं है भाई, मुझे तो बी करना था, तो आपने यहां पर उसके बाद बी को फिल कर दिया, या फिर फिल भी नहीं किया, आपने टिक लगाया और उसके बाद दोबारा आपको याद आया भाई ए करना चाहिए था। अब जो टिक लग चुका वो तो हट नहीं सकता क्योंकि वो तो लगा दिया आपने, तो आपने क्या करा, यहां पर दोबारा ए लिख दिया। ए लिखते ही क्या होगा, ए को करेक्ट आंसर कंसिडर कर लिया जाएगा। सेवेंथ देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आपने सी जो रिस्पॉन्स है उसको फिल किया और सी को फिल करने के बाद आपने इनको इस तरह से कैंसिल आउट कर दिया और फिर यहां पर सी आपने मार्क भी किया, तो सी को करेक्ट आंसर कंसीडर कर लिया जाएगा, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट आते हैं, एट समझते हैं। अब यहां पर आपने क्वेश्चन नंबर एट में क्या किया, इस बात को 100% श्योर करने के लिए कि हाँ भाई मेरा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, आपने एक इस पर टिक लगाया और फिर उसको फिल भी कर दिया और यहां पर भी आपने बी ही लिखा, तो इस बात को समझे, हम इनको नहीं देख रहे, हम तो ये देखेंगे आपने यहां पर बी लिखा है तो लो भाई बी जो है आपका करेक्ट हो गया, तो हमें तो इस पे काम करना है जो आपने बॉक्स में लिखा है। आगे चलते हैं, देखिए नाइन्थ पे। यहां पर आपने क्या किया कि पहले आपने नाइन्थ में ए फिल किया और ए फिल करने के बाद आपको लगा यार ये तो गलत कर दिया मैंने, अब आपने इसको क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद बी फिल किया और बी फिल करके एक टिक भी लगाया कि हाँ भाई ये वाला सही है, और ये सही होने के साथ साथ यहां पर आपने बी लिखा भी है,
तो हम तो इस बी को देखेंगे और बी जो है आपका करेक्ट आंसर कंसीडर कर लिया जाएगा। टेंथ पर आते हैं, यहां पर आपने क्या किया कि आपने पहले यहां पर डी को फिल किया या सी को फिल किया, लेकिन किसी वजह से दो कर दिया आपने, लेकिन यहां पर आपने सही लिखा है सी, और सी लिखने के बाद आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर कंसीडर कर लिया जाएगा चाहे आपने दो फिल कर दिए, ठीक है ना। इलेवेंथ पर आते हैं, इलेवेंथ पर आप आए, आपने फिल करना स्टार्ट किया और टाइम की शॉर्टेज आपके पास थी या कुछ भी हो तो आपने इस तरह किया, पूरा बबल फिल नहीं हुआ, पूरा बबल क्योंकि फिल नहीं हुआ, लेकिन आपने यहां पर डी लिखा जरूर है, तो डी को करेक्ट आंसर आपका कंसीडर कर लिया जाएगा, आपकी तरफ से करेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो डी को कंसीडर किया जाएगा। ट्वेल्थ समझते हैं बेटा, ट्वेल्थ में भी देखेंगे आपने यहां पर दो मार्क किए हैं और यहां पर लिखा है ए, तो ए विल बी कंसिडर्ड एज द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना। और इवेल्युएटर्स को किस तरह चेक करना है साथ में भी आप लोग समझ रहे हैं कि जो चीज यहां पर इस बॉक्स में लिखी है, जो ऑप्शन बॉक्स में है, वही आपकी तरफ से करेक्ट रिस्पॉन्स हम मार्क कर रहे हैं। 13th एग्जाम्पल क्या हो सकती है, देखिए स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है वो सभी चीजें यहां पर इंक्लूड की गई हैं। आपने बबल फिल किया लेकिन इस तरह से सिर्फ एक चांद बनाकर छोड़ दिया, नीचे से आधा बबल फिल किया है कि अभी जो है चांद निकल रहा है, लेकिन साथ में यहां पर आपने क्या किया सी लिख दिया, तो सीधा है बिल्कुल सी को कंसीडर कर लिया जाएगा आपकी तरफ से। 14th पर आते हैं, देखिए 14th में आपने डी को मार्क किया है, यहां पर थोड़ा सा कुछ किया और यहां पर फिर आपने डी लिखा भी है, तो डी विल बी कंसीडर्ड एज द करेक्ट रिस्पॉन्स। 15th पर समझते हैं बेटा, 15th पे आपने पहले सी यहां पर किया लेकिन फिर कट लगा दिया आपने, कुछ भी किया और उसके बाद यहां पर सी दोबारा लिखा भी है, तो बस सी को कंसिडर कर लेंगे हम लोग। यहां पर आपने क्या किया बेटा, किसी भी बबल को फिल नहीं किया और यहां पर आपने बी लिख दिया, तो बबल फिल करना वैसे जरूरी था, आपको ये जरूर करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपने नहीं किया कोई बात नहीं, आपने साथ में बी लिखा तो है, तो जैसे ही आपने बी लिखा तो बी को हम करेक्ट रिस्पॉन्स कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना। 17th पर आते हैं, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, इसमें आपने ना तो रिस्पॉन्सेस फिल की, ना बॉक्स में कुछ लिखा और ना ही इसको फिल किया कि मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा जो आपको करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आपको यहां पर इस वाले बबल को डार्क करना पड़ेगा, तो ये अनफेयर मींस माना जाएगा, आपने जो है एग्जामिनर को कंफ्यूज कर दिया कि भाई अब क्या करें, आप समझना है इसके बारे में, नीचे बता रखा है क्या करना है। 18th पर आ जाते हैं, देखिए आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, आपको इसको अटेम्प्ट नहीं करना था, तो ना ही आपने रिस्पॉन्सेज यहां पर बबल की टाइप में फिल की है, ना ही आपने यहां पर लिखा है, आपने सीधा यहां पर जो नॉट अटेम्प्टेड वाला पार्ट था उस बबल को यहां पर आपने फिल कर दिया, और अब हम इस क्वेश्चन को कंसिडर कर लेंगे कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना। आप समझते हैं, देखिए आगे सब क्लियरली बताया हुआ है कि आपको जब भी कोई रिस्पॉन्स मार्क करनी है उसका करेक्ट मेथड जो है वो ये है कि आप प्रॉपरली जो सर्किल है उसको फिल करेंगे, इस तरह बबल को पूरी तरह आपको फिल करना है, इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना और ना ही इस तरह करना, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि आपको सपोज कीजिए 50 क्वेश्चंस आपके पास थे, उनमें से 45 क्वेश्चंस आपको करने थे, तो 45 रिस्पॉन्सेज आपको प्रॉपरली मार्क करनी है, ए बी सी डी बराबर में बॉक्स में लिखना है, और जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस थे उनको आपको क्या करना था बेटा, उनको आपको इस तरह से Not attempted वाला जो पार्ट था उसको सर्किल करना था इन 5 क्वेश्चंस के लिए जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, लेकिन आपने क्या किया कि पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। कुछ बच्चे होते हैं अकलमंद, वो क्या करते हैं पूरे 50 क्वेश्चन कर आए, जबकि आपको करने कितने थे 45, लेकिन आपने पूरे 50 कर दिए और आपने कहा कि इनमें से जो मेरे 45 बेस्ट वाले होंगे वो शायद चेक हो जाएं, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से अब काउंट करेंगे, क्योंकि आपने पूरे 50 कर दिए ना, आप हमें चॉइस दे रहे थे कि भाई सही वालों पे नंबर दे देना, अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से काउंट करते हुए आएंगे और जहां पर 45 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ हम उनको यहां पर काउंट करेंगे, तो स्टार्टिंग से 45 क्वेश्चंस तक काउंट करके जितने सही हैं जितने गलत हैं उनके हिसाब से मार्किंग हो जाएगी, रिमेनिंग जो बचे हुए नीचे के 5 हैं चाहे वो आपके बिल्कुल सही हो उनका आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ओएमआर शीट को फिल करना है स्टूडेंट्स को और किस तरह से जो इवेल्युएटर्स हैं वो चेक करेंगे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस को। तो अब आपको करना क्या है,
इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और समझें, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।